नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन में फिर से शुरू हुआ इस्पात और साउथ बिहार एक्सप्रेस ठहराव। विधायक जोबा मांझी और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने किया स्वागत, झंडा दिखाकर किया रवाना। अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन के कोरोना काल के बाद आज फिर से इस्पात और साउथ बिहार एक्सप्रेस का ठहराव फिर से शुरू हुआ। सोनुआ रेलवे स्टेशन में आज से हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, हावड़ा कांटाबांझी इस्पात एक्सप्रेस और दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के ठहराव शुरू हुआ है। कोरोना के बाद सोनुआ रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के लोग फिर से ठहराव शुरू करने का लगातार मांग कर रहे थे। सोनुआ रेलवे स्टेशन में आज रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में हावड़ा कांटाबांझी अप इस्पात एक्सप्रेस का पूर्व मंत्री सह विधायक जोबा मांझी, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने रेलवे अधिकारी और आम जनता के साथ स्वागत किया और झंडा दिखाकर रवाना किया। आइए देखते हैं पूर्व मंत्री सह विधायक जोबा मांझी और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। परिचालन हो रहा विकसित भारत के तरफ हम आगे बढ़ रहे, निश्चित रूप से आम जनता रेल के प्रति आशा करते हैं। छोटे छोटे स्टेशन हो, क्यों नहीं बड़े स्टेशन बड़े शहर हो, जिस रास्ता से जिस लाइन जिस जमीन से रेल गुजरती है उस साइड से छोटे स्टेशन से भी हमारे ट्रेन की आम जनता को लाभ मिले, ये हम लोग आशा करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ रेल मंत्रालय को। ये ट्रेन ठहराव आज रेलवे स्टेशन सोलोवा में हो रही है। कोरोना संगठनों के लोगों ने मांग किया या कि ग्रामीणों ने भी मांग किया था, और हम जितने भी हमारे नेता लोग हैं सभी लोगों का ही मांग था कि सोलोवा में रुके, गाड़ी रुकने से इस क्षेत्र का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं रुकने से यहाँ पर चहल पहल बंद हो गई थी। ये छोटे बड़े जो व्यापारी लोग हैं उन लोग का मुँह में चिकन नहीं थी, उन लोग को ये बहुत दुखी महसूस होता था कि हम लोग का गाड़ी कब रुकेगा और हम लोग का बिजनेस अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन अब जब से ये ऑर्डर आई रेलवे बोर्ड से तो सबका खुशी देखने को मिल रहा है, आम जनता को मिल रही है, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ी को रुकना शुरू किया है करेगा आज से, लेकिन ये भी आग्रह निवेदन होगा कि हमारे यहाँ के जितने लोग हैं कम से कम जो यात्री चढ़ेंगे इस यहाँ पर सबका कम से कम टिकट लेकर के ही चढ़ेंगे, टिकट बिना टिकट कोई भी नहीं चढ़ेंगे, ताकि और भी हम लोग को मांग है, और भी मांग जो है हम लोग का उसको तब हम लोग आगे बढ़ाएंगे मांग को, इसलिए ट्रेन भी पहुंच रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।